एक्चुअली उसने परफेक्टली किया है, मैनेज किया है सब चीज़ें। वन देखा था, क्या कंपैरिजन किया, तो फिल्टर कौन लगा रहा है? वन तो बेस्ट ही थी, बट सेकंड भी काफ़ी बेस्ट ट्राई किया है, बेस्ट आउट ऑफ। वीकनेस क्या फिल्म में, क्या कमजोरी नजर आई? स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी है और प्रेजेंट उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया है, अनीस बाजमी ने, डायरेक्टर है। म्यूजिक पार्ट कैसा है फिल्म का? म्यूजिक भी ऑलमोस्ट सही लगा। आउट ऑफ 5 स्टार्स? 4 एंटरटेनमेंट, वेरी नाइस मूवी। आउट ऑफ 5 कार्तिक आर्यन इज द बेस्ट। एंड यू हैव वॉच्ड वन अबाउट वे वन अक्षय कुमार, इसमें तो उसने देखा आपने अक्षय कुमार फर्स्ट पार्ट में? हाँ। तो कंपैरिजन किया तो कौन सा रोल? कार्तिक आर्यन। आउट ऑफ 5 स्टार्स? हाँ, आउट ऑफ 5 स्टार्स हाउ मेनी? 5। म्यूजिक पार्ट? म्यूजिक वाज आल्सो गुड। व्हाट अबाउट कैरा? बेस्ट। कैरा इज बेस्ट। तब्बू? तब्बू इज सुपर बेस्ट। राजपाल? राजपाल गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट कार्तिक? Kartik acted really nice. आपने first part देखा था? First part was really good. तो comparatively कौन better है? You mean Bhool Bhulaiya 1, Bhool Bhulaiya 2. Bhool Bhulaiya 1 was damn good then. The direction? Direction was also good. Out of 5 stars? 3. Thank you so much. Good. Kartik Aaryan, sir please. He was funny. Yeah, he was funny. The movie was good. Out of the story? Story मतलब नया था. It was like a bit inventive. It was good. Did you watch Bhool Bhulaiya 1? Yeah. Akshay Kumar or Kartik Aaryan, one better? Can't be compared. Akshay Kumar ka alag charm hai. Music part was kind of disappointing, but it was good. Out of 5 stars? Out of 5 stars, 3.5. It was good, yeah. It was a nice experience. Kartik Aaryan's acting was superb. So I would rate 4 and 5. Direction part, Anis Bazmi? Direction, in the middle, it was a bit lacking, but the start was great and ending was also great. What about Kara? Sorry? Kara Advani? Kara Advani's role was very defined and she did her part very well. पहला पार्ट देखा था मैंने। कंपैरेटिवली कौन बेटर है? अगर आप पहले पार्ट के कंपैरिजन में देखते हैं तो ऑब्वियसली पहले पार्ट हमेशा बेटर होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट को भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, क्योंकि कार्तिक आर्यन ने जो इसमें काम किया है, जो अक्षय कुमार सर का पार्ट है उसको तो खैर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत गजब का काम किया है इस मूवी में। लैकिंग इज समवट इन द फर्स्ट पार्ट, देयर वर सम मोमेंट्स दैट made the film a bit realistic. There you have to have some virtual input to see the film in from that perspective. Out of 5 stars? 4 out of 5. It was good, fine. What is good about the film? Acting, direction, music, what is Kartik Aaryan and Hare Ram Hare Krishna song. Okay. And what a character artist, Rajpal kaise hain isme? Rajpal acche hai, bas unko red makeup rehna chahiye tha unka, but white tha to it's okay, fine. बुलबुलिया 1 देखी थी आपने? जी। वो और इसमें कंपेयर करें तो बेटर कौन लगा आपको? कंपेरिजन करना अच्छी बात नहीं रहेंगी, दोनों अच्छी मूवी थी अपनी जगह पर, एंड बस एक जो सॉन्ग लास्ट में आया है वो बीच में रहना चाहिए था, दैट्स इट। डायरेक्शन पार्ट? डायरेक्शन में ज़्यादा कॉमेडी भर दिया है, हॉरर भी है, लेकिन
कॉमेडी कमजोरी तो कुछ खास लगी नहीं मुझे, बट अच्छी थी। आउट ऑफ 5 स्टार्स 3 स्टार। थैंक यू सर। हाउ वाज द फिल्म? अच्छी मूवी है, इंजॉयबल है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। हॉरर कॉमेडी है, हॉरर भी है कॉमेडी भी है। और अपनी वो बुलबुले अपनी जगह पे थी, ये बुलबुले अपनी जगह पे, फैमिली के साथ देख सकते हैं। और कॉमेडी का भी रेशियो अच्छा है, हॉरर का भी रेशियो अच्छा है, क्लाइमेक्स का सीन अच्छा है, सस्पेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो वह मस्ट वॉच मूवी है। कार्तिक ने कितना जस्टिस करना है रोल को? कार्तिक ने अच्छा, एक्टिंग अच्छी है, बट कहीं ना कहीं अक्षय कुमार मिस होते हैं, परेश रावल मिस होते हैं, विद्या बलन मिस होती है, बट वो स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है। कितना एंटरटेन रखा जब आप बैठे हुए थे थिएटर में, कितना एंटरटेन में, कहीं बोर्ड लगा कि नहीं? स्टोरी लाइन अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं रोमांटिक रेशियो जो कुछ ज़्यादा कर दिया। वैसे हॉरर कॉमेडी है तो ठीक है, लेकिन वन टाइम वॉच है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। 3 out of 5 की रेटिंग रहेगी। ठीक है, लेकिन प्रियदर्शन प्रियदर्शन है, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। मूवी बोले तो बहुत बड़ा वाहियात मूवी है, रियली बता रहा हूँ। जिस तरीके से भूल भुलैया 2007 में बहुत बड़ी हिट हुई थी, पूरी की पूरी बकवास, टोटली फेल। अनीस बाजमी इस बार फेल हो गया फिर से। देखिए अभी अभी मूवी के अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात कि सीक्वल है ये अक्षय कुमार सर की भूल भुलैया, जो कि 2007 में इतनी बड़ी हिट हुई थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी। आप सीक्वल बना रहे हो, एक तो अक्षय सर को आप रिप्लेस कर दिए, सेकेंड नंबर मंजुलिका वापस कहाँ से आ गई? ऑलरेडी उसमें ये दिखाया गया कि मंजुलिका चली गई, लेकिन आपने फिर एक नया स्टोरी जन्म लिया कि मंजुलिका किस तरीके से वापस आए, लेकिन आप प्रेजेंट सही से नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, जो कॉमेडी तड़का लगाया, थोड़ा हॉरर है, बहुत अच्छी है, लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने थोड़ा सा काम करना चाहिए था, और बेटर बना सकते थे, लेकिन सेकेंड हाफ पूरी के पूरी उन्होंने घान किया। कार्तिक आर्यन को जो दिया गया वो बेचारे ने उसका काम किया, वो बंदे ने अच्छा काम किया, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो एंड में उनका जो काम था 10 मिनट का, सुपर किया उन्होंने, जान फूंक दिया, रियली बता रहा हूँ। क्लाइमेक्स का जो लास्ट का 10 मिनट था ना, टोटली बवाल थी। कियारा आडवाणी अच्छी दिख रही है, हॉट सेक्सी दिख रही है, उनका भी काम ठीक ओके ओके है, लेकिन कहानी में दम नहीं है। अनीस सर को बोलूंगा कि प्लीज़ अब 3 मत बनाना, बस यहीं पर ख़त्म कर दो इसको। 2 स्टार दूंगा इस मूवी को। वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मूवी की कोई स्टोरी नहीं है। पहला हाफ तो कम्प्लीटली स्कैटर्ड है, दूसरा हाफ में भी हॉरर दिखाया है, बट दैट इज़ ऑल्सो हेल्टर स्केल्टर। तो कहीं ना कहीं यू नो, जिस तरह से हमें एंटरटेन होना चाहिए था, हम नहीं हो पाए। पार्ट वन देखिए, प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी, वो एक अलग ही क्लास मूवी थी। उसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन जैसे बड़े एक्टर्स थे, बट चलिए अगर कंटेंट अच्छा है तो छोटे एक्टर्स भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यू नो, आई एम काइंड ऑफ डिसग्रंटल्ड। मतलब टब्बू जैसे सीजनड एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस, जिसने माचिस, अंधाधुन, चांदनी माँ जैसी मूवीज़ में रोल किया है, उनको इतना बड़ा आपने रोल दिया, बट कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगा उनको वेस्ट किया है। पिक्चर की कोई स्टोरी नहीं है, म्यूज़िक भी बिलो एवरेज है, जबकि तनिष्क बागची और प्रीतम बागची और प्रीतम का म्यूज़िक इतने अच्छे कंपोजर्स हैं, बट कहीं ना कहीं स्टोरी सिचुएशंस बहुत ही यू नो सीक्वेंस में नहीं है, और कहीं ना कहीं जाके एंटरटेन नहीं कर पाती। ओवरऑल लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, हालांकि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं की, एडिटिंग ठीक है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी हॉरर सीन्स में, बट कहीं ना कहीं मायूसी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग तारीफ कर रहे हैं फिल्म की, तो आप कह रहे हैं कोई जेन्युइन वजह बताइए कि क्या बेसिकली लैक क्या कर रहा है? वही जो जयेश भाई जोरदार में भी है कि आप जबरदस्ती पब्लिक को हंसाना चाहते हैं, दैट विल नॉट वर्क। आप बड़े बड़े कॉमेडियन ले आए, संजय मिश्रा, दे ऑल अ वेरी गुड कॉमेडियंस, राजपाल यादव, बट फिल्म की कोई स्टोरी होती है, कोई सिचुएशन होती है, कहीं से भी रैंडमली कोई भी सीन डाला हुआ है, मतलब इट डजंट वर्क लाइक दिस। कार्तिक के लिए ये करियर के लिए अच्छी बात होगी? नहीं नहीं, इट विल नॉट वर्क। इतनी बड़ी बड़ी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स देखिए, कभी कभी उनकी भी स्टोरी इतनी घसी पिटी होती है, लेकिन वो फिल्म को इतना ग्रिपिंग बनाते हैं। ये बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सीखना पड़ेगा, कंटेंट इज़ द किंग, नो एक्टर कैन राइज अबव द कंटेंट। आप कितनी अभी बड़े बड़े एक्टर्स ले आइए, 30 माह खान ले आइए, अगर कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, अगर आपने एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं किया, तो आप नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही है, इवन आई यू नो स्पोकन माई वर्ड्स, इवन आई एम गोइंग टू से इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मतलब अगर कोई इस मूवी की तारीफ कर रहा है ना, तो मुझे बहुत हैरानी होगी। आपका फिर टेस्ट क्या है? मतलब मैं एज अ क्रिटिक बोला, मैंने मेरी ये 1200वीं फिल्म है आज, 1200 फिल्म्स मैंने 10 लैंग्वेजेस में देखी हैं, तो डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने इतने फिल्म फेस्टिवल्स में अटेंड किए हैं, तो डेफिनेटली मेरा एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा, ये हवा में नहीं होगा। 2 स्टार्स। भूल भुलैया मुझे ठीक ही लगी, वन टाइम एवरेज वॉच लगी, और जितना मैं एक्सपेक्ट कर आया था इस फिल्म से, बिकॉज भूल भुलैया 1 का जो इम्प्रेशन है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे मनों पे।
बट भूल भुलैया 2 ने उतना इम्प्रेस नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। तो रीज़न बताइए क्यों इम्प्रेस नहीं किया, क्या कमजोरी है फिल्म में? स्टोरी थोड़ी सी वीक है, और ऐसा काफ़ी मौक़ों पर लगता है कि हमें अब जबरन इस सिचुएशन और इस लोकेशन पर घुसाया जा रहा है ताकि मंजुलिका से एनकाउंटर हो, वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। सेकेंडली देखिए, पहली भूल भुलैया में अक्षय कुमार सबसे बड़े जो अट्रैक्शन थे वो थे, उसके साथ साथ उनके साथ जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन थी वो थी विद्या बालन, जिसने उस कैरेक्टर के साथ इतना जस्टिस किया था कि हमको बहुत अच्छी लगी थी वो। सेकेंडली जो सपोर्टिंग कास्ट था, मनोज जोशी जी थे, शाइनी आहूजा जी थे, राजपाल यादव जी थे, जो छोटे छोटे सपोर्टिंग कास्ट भी होते हैं, उन्होंने भी इतना अच्छा काम किया था। उनका रोल थोड़ा सा, जिसे कहते हैं मीटी रोल, सब्सटैंशियल रोल था वो था। यहाँ पे जो ऐसा है, यहाँ पे पूरी फिल्म कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी के आजू बाजू घूमती है। उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका रोल बहुत वीक है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें सिर्फ एक फोर्स कॉमेडी के लिए वहाँ पे रखा गया है। तो थोड़ा सा एक टाइम के बाद ना आपको लगता है कि ये ड्रैग हो रही है। तो कार्तिक के करियर के लिए फायदेमंद रहेगा? फायदेमंद तो डेफिनेटली रहेगा। देखिए, भूल भुलैया जैसी फिल्म में अगर उन्हें अक्षय कुमार जी के, जिसे कहते हैं फुटस्टेप्स को रिप्लेस करने का मौका मिला है, तो उनके करियर के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ही होगी। और सेकंडली देखिए, कार्तिक आर्यन जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में उनके अंदर एक अक्षय कुमार जी की छाप दिखती है हमें। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस कट हो गया, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो गई, उनकी कॉमिक टाइमिंग हो गई। तो अभी बहुत यंग है, अभी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट एक टाइप से काफ़ी नए ही हैं, पर उनका काम बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली इस फिल्म से उनके करियर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अनीस वाजनी कितना डायरेक्शन के माध्यम से, मतलब प्रियदर्शन का डायरेक्शन बता दे आपका, अनीस वाजनी का अगर बात करें तो कितना जस्टिस करता है? अनीश वाजपेयी का डायरेक्शन देखिए ठीक था, मैं यहाँ पे थोड़ा वीक कहूँगा स्टोरी को। फराज सामजी और आई थिंक आशीष कौशिक या अविनाश कौशिक जी, किसी ने लिखी हुई स्टोरी थोड़ी सी वीक थी, और जो उसका पूरा स्क्रिप्टिंग था वो मुझे थोड़ा वीक लगा। बाकी डायरेक्शन में कोई उनकी कमी थी, सीन्स जो हैं सीन्स अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म का पेस है वो काफ़ी ठीक है। तो डायरेक्शन वाइज मुझे नहीं लगता कि अनीश वाजपेयी ने कोई कमी छोड़ी है। थोड़ी सी राइटिंग वीक है और वो डेफिनेटली ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट होती है। तो आउट ऑफ 5 2 स्टार।